गुड आफ्टरनून क्लास, मायसेल्फ एसके सिंह, और आज हम लोग क्लास 12 के लिए नीट एंड आईआईटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, जिसे हम लोग मैग्नेटिज्म बोलेंगे, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे और उसके हम लोग कोशिश करेंगे ये कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, और कुछ क्वेश्चन बोर्ड के होंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, और सम क्वेश्चन ऑफ आईआईटी एंड नीट, ठीक है ना। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे इसी इस वीडियो में केवल हम बोर्ड की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन समझेंगे, जिस टाइप से फार्मूले से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लेके हम लोग आएंगे इसी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा कि आप 5 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कह रहा 5 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, कितने 5 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट का प्रोटॉन है फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसमें मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 1.5 टेस्ला। ये बी वेक्टर है 1.5 टेस्ला। आप सभी को पता है मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट होती है, क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आगे इसी में कह रहा है कि एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्ट कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, कैसे मूव कर रहा है? साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है ना। मैग्नेटिक एंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड द प्रोटॉन, टेक मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻²⁷ kg। देखिएगा यहाँ पे हमें फाइंड करना है फोर्स, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, तो फोर्स का जो फार्मूला होता है कि फोर्स इक्वल क्या होता है लड़के, क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे वर्टिकली फॉल हो रहा है तो थीटा कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा इक्वल 90 डिग्री। अच्छा ध्यान से इधर की ओर फोर्स फाइंड करना है, थीटा 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो क्यू है क्यू लीजिए, क्यू में क्यू इक्वल टू नहीं होता है, तो यहाँ क्या लेंगे? प्रोटॉन की वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे? प्रोटॉन की वैल्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो सभी की वैल्यू सेम होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ली जाएगी, वो मास होता है बेटा, ठीक है ना। तो हमें क्यू भी पता हो गया और वी मैग्नेटिक फील्ड पता है, केवल हमें वेलोसिटी नहीं पता है, क्या नहीं पता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग एनर्जी की हेल्प करेंगे। देखो बच्चे ध्यान समझिएगा, एनर्जी का फार्मूला होता है इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक वोल्ट में गिवन, एनर्जी में किसमें गिवन है? इलेक्ट्रिक वोल्ट में 1/2, और मास किसका लेंगे? प्रोटॉन का। किसका मास लेंगे? प्रोटॉन का। कितना? 1. हमें जो प्रोटॉन का मास गिवन है 1.6 है, 7 नहीं लिखा है, 10⁻²⁷ इंटू वी स्क्वायर इक्वल इलेक्ट्रिक, ये जो हमारी एनर्जी है वो 5 मेगा मतलब 10⁻⁶, और इलेक्ट्रिक मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹, अब ये हो गया किसमें? जूल में, ठीक है। 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट किया, ठीक है। अब जो ब्लास्टी आएगी वी स्क्वायर इक्वल ब्लास्टी की वैल्यू होगी 5 × 10⁻⁶ 10⁻¹⁹, या 1/2 के ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, अपॉन 10⁻²⁷ 27 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बीस का रिकल आएगा 5 × 10⁻⁶ × 10⁻²⁹ −9 तो कितना आएगा? 20 का रिकल 10⁻⁹ 10⁻⁹ और 6 25 होगा, 9 और 8 27 होगा, 9 8, ठीक है ना। तो अभी कितना हो जाएगा बीस का इक्वल, हम इसको ले सकते हैं 10 × 10⁻¹ कितना? 8 और 6 14, कितना? 8 और 6 14, कितना नोट कर सकते हैं? 8 6 14, ठीक है। 8 और 6 कितना हो गया? 14। अब जान लेंगे इधर बीस का इक्वल कितना आएगा,
बीस का विकल्प या बी विकल्प कितना जाएगा, रूट 10 × 10⁴। तो 10 का रूट कितना होगा, 3.3 होगा, तो 3 रखेंगे ठीक है ना। और 14 का 10⁷, ठीक है, 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा ब्लास्ट आ गया, क्या आ गया ब्लास्ट। हमें क्या फाइंड करना, फोर्स फाइंड करना। यू नो वेरी वेल एफ इक्वल क्या होता है, क्यू बी वी साइन थीटा, ठीक है, क्यू बी वी साइन थीटा। और क्यू क्या होता है, सभी को पता है चार्ज होता है, क्यू क्या होता है चार्ज होता है। बट यहाँ हम लोग चार्ज की वैल्यू क्या मतलब करेंगे, एन ई, एन की वैल्यू 1 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन के इक्वल कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1.5 टेस्ला, 1.5। और प्लास्टिक वैल्यू 3 × 10⁷। एंड साइन 90 वैल्यू कितनी, 1। यहाँ पे थीटा कंसिडर किया आपने 90 और साइन 90 वैल्यू 1। तो फोर्स कितना आएगा, 15 × 45, 4.5। तो 1.6 × 4.5 × 10⁷⁷ कितना ही है, 7 है 99. और 19 है, तो 19 से 7 लेस करेंगे कितना बचेगा, 10⁻¹⁰ कितना आएगा, 10⁻¹⁰। अब मल्टीप्लाई कराना सेम के साथ का, 16 × 5 = 80 कैरी 8 और 16 × 4 = 64, 64 और 8 = 72 ना, 72। और दो डिजिट बार पॉइंट लगा देंगे, 7.2 × 10⁻¹² न्यूटन कितना, 7.2 × 10⁻¹² न्यूटन। ये हमारा फोर्स पॉइंट हुआ। और इसमें कह रहा था इसमें डायरेक्शन क्या होगी, क्या पॉइंट करवा रहा था डायरेक्शन। और जबकि हमें क्या कि मैंने कह रहा कि हॉरिजॉन्टली एंड साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, क्या कह रहा, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। क्वेश्चन कह रहा था कि 5 MeV प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ रीजन मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कैसे साउथ टू नॉर्थ। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमिंग लेफ्ट हैंड रूल द मैग्नेटिक फोर्स द प्रोटॉन एक्ट ईस्टवर्ड, क्या रहेगा देखो, जब साउथ टू नॉर्थ फॉल हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ ऐसे साउथ ऊपर, अच्छा नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, और साउथ टू नॉर्थ मूव, कैसे मूव हो रहा, साउथ टू नॉर्थ। तो ये जब इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे होल्ड करेंगे ठीक है ना, ये डायरेक्शन किधर रहेगा, देखो इसको ऐसे होल्ड कर रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो ये ईस्ट की ओर जा रही है ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या किधर होगी, ईस्ट साइड में, क्या रहेगा डायरेक्शन टूवर्ड द ईस्ट साइड, डायरेक्शन टूवर्ड द ईस्ट साइड। तो यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेके आते हैं, कनेक्ट करें।